देखिए इस वक्त ड्रोन के जरिए पहली बार मुख्तार अंसारी के कब्रिस्तान के ऊपर ड्रोन की तस्वीरें जरा दिखाइए, ड्रोन की तस्वीरें। अब ड्रोन से है जो निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि भीड़ पीछे की तरफ चली गई है। ड्रोन के जरिए वीडियोग्राफी हो रही है, ड्रोन के जरिए। यहाँ पर देखिए पुलिस ने सख्ती कर दी है, लोगों को पीछे हटा रही है। ड्रोन के जरिए यहाँ पर निगरानी रखी जा रही है। ड्रोन अभी यहाँ उड़ता हुआ दिखाई दिया और फिर ड्रोन जो है भीड़ के ऊपर चली गई है, जिस तरीके से लगातार देखिए सख्ती से लगातार वीडियोग्राफी जो हो रही थी। अब यहाँ पर देखिए हर किसी का नाम भी नोट किया जा रहा है डायरी में, यहाँ नाम भी नोट किया जा रहा है। लगातार एक शख्स जो है यहाँ ऊपर चढ़ गए हैं, जिनसे कहा जा रहा है कि आप उतरिए, आप ऊपर कैसे चढ़ गए, आपके ऊपर FIR दर्ज किया जा सकता है। और इन्हें उतारा गया। पुलिस ने जब सख्ती से इस्तेमाल किया तो लोगों ने अपना चप्पल छोड़कर, चप्पल की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई है, चप्पल किस तरीके से लोग छोड़ के भाग गए हैं, क्यों पुलिस ने सख्ती का इस्तेमाल किया, चप्पल की तस्वीरें दिखाई है। ये चप्पल की वो तस्वीरें हैं जो यहाँ पर लोग छोड़ के भागे हैं, क्योंकि अंदर लोग कब्रिस्तान में जाने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा, हल्का बल प्रयोग पुलिस ने इस्तेमाल किया। उसके बाद लोग यहां से जब हटे पीछे की तरफ तो अपने अपने चप्पल यहां पर छोड़ गए। और देखिए अब ड्रोन जैसे ही उड़ा, पब्लिक जो है पीछे की तरफ चली गई है। पुलिस ने और कड़ाई कर लिया है। डीएम गाजीपुर कब्रिस्तान के गेट पे मौजूद है और कह रही है कि अब कोई आए उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जिनका लिस्ट में नाम है, नियम से जो रहेंगे, नियम के मुताबिक ही यहाँ पर काम होगा, जिनका लिस्ट में नाम है, जिनका मुख्तार अंसारी परिजनों ने नाम दर्ज कराया है लिस्ट में, उन्हीं को अंदर जाने दिया जाएगा। मुख्तार अंसारी को कालीबाग कब्रिस्तान में लगभग 10:45 पर सुपुर्दे खाक कर दिया गया। आज के बाद एक था मुख्तार कह के कहानियां सुनाई जाएंगी। पुलिस के लोग इस दौरान मौजूद रहे, तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे, मुख्तार का परिवार मौजूद रहा, करीब 30,000 लोग कब्रिस्तान के बाहर मौजूद थे और उन लोगों ने मुख्तार जिंदाबाद के नारे भी लगाए। आखिरी बार मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे ने, जानकारी ये मिल रही है कि उनकी मूछों पर ताव देकर उन्हें सुपुर्दे खाक किया और अब बारी बारी से लोग कब्रिस्तान के अंदर मिट्टी देने के लिए जा रहे हैं।
अच्छा ठीक है, आओ क्यों कर लो मेरे पर, क्यों कर लो। Last 20. इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मुख्तार अंसारी, जिसका 1980, 1990, 2000 साल में डंका बजता था, वो इस वक्त सुपुर्द-ए-खाक हो चुका है। और जो आम जनता, मोहम्मदाबाद के लोग उसका अंतिम दर्शन करना चाह रही थी, वो उसे एक एक करके अंदर जाने दिया जा रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सुपुर्द-ए-खाक हो चुका है मुख्तार अंसारी। अफजल अंसारी को हम बाहर देख पा रहे हैं, अफजल अंसारी बाहर खड़े हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं हर कोई जाएगा अंदर, हर कोई मुख्तार को आखिरी सलाम कर पाएगा। मुख्तार अंसारी समाजवादी पार्टी के मौजूदा सांसद बाहर खड़े हैं, पब्लिक को कंट्रोल कर रहे हैं, एक एक करके अंदर जाने दे रहे हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भी यहां पर मौजूद हैं। और देखिए अब जो है मुख्तार अंसारी अंदर की तरफ एक बार फिर से जाते हुए कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक हो चुका है मुख्तार अंसारी। क्लोज तस्वीरें अंदर की दिखाइए युगल, मेरे तरफ आइए आप और देखिए जिन लोगों को जो लोग जा रहे हैं आखिरी सलाम करने के लिए, वो आखिरी सलाम कर रहे हैं मुख्तार अंसारी को। उसके बाद वहां पर बगल में एक बाल्टी रखी हुई है, कब्र पर पानी छिटक रहे हैं और फिर उनको सुलाने के लिए हवा उनका अपने रुमाल से दे रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया के दर्शक लगातार अब देख सकते हैं। और एक एक करके अब आम लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा है मुख्तार को आखिरी सलाम करने के लिए। अफजल अंसारी को हम देख पा रहे हैं, सफेद रंग के पजामा कुर्ता पहने हुए हैं और सिर पर पगड़ी बांधे हुए हैं। और यहाँ पर देखिए मुख्तार अंसारी इशारा, अफजल अंसारी इशारा कर रहे हैं हो गया जल्दी जल्दी सब लोग आखिरी सलाम करिए, बाहर बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं। तो सुपुर्द-ए-खाक इस वक्त मुख्तार अंसारी हो चुका है न्यूज 18 इंडिया पर, ये सबसे बड़ी खबर, मुख्तार अंसारी हो चुका है सुपुर्द-ए-खाक। और मुख्तार अंसारी 1980 में क्राइम की दुनिया में, क्राइम की दुनिया में उसने पैर रखा और उसके बाद 1990 के दशक में लोगों ने उसके काफिले को देखा और फिर साल 2000 में भी उसके काफिले को देखा। एक बार फिर से अफजल अंसारी बाहर आ चुके हैं। ओवर टू यू आनंद, ओवर टू यू आनंद। देखिए बिल्कुल मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ, यहाँ पर जो मुख्तार अंसारी के परिवार के सदस्य वो लगातार यहाँ पर अपील कर रहे हैं कि पुलिस को अपना काम करने दें और जो स्थानीय लोग हैं वो थोड़ी शांति बना रखें, सबको मिट्टी देने का मौका मिलेगा, 10-10 करके लोग यहाँ पर कब्रिस्तान के अंदर एंटर हो सकते हैं। जो मुख्तार अंसारी के भाई हैं, देखिए वो सीधी तस्वीर है, वो भी यहाँ पर लोगों से अपील कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से बात कर रहे हैं, क्योंकि सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया है। जो उनके भतीजे हैं विधायक वो अंदर थे, उनके जो बेटे हैं और परिवार के जो तमाम सदस्य हैं वो यहाँ पर मौजूद थे। और अब यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर जो अफजल अंसारी हैं वो आप देख सकते हैं, वो यहां पर आप बातचीत करते अधिकारियों से नजर आ रहा है। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी यहां पर मौजूद हैं और भारी लोगों का जो हुजूम है, देखिए मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं, ये आगे मेन रोड की तरफ जो सड़क जा रही है यहां पर सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद हैं। कुछ लोग वापस अपने घरों की तरफ चले गए लेकिन कुछ लोग अभी भी यहां पर जो मुख्तार अंसारी को कड़ी सुरक्षा के बीच सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया। कालीबाग कब्रिस्तान में मां की कब्र के पास उसे दफनाया गया और इस दौरान भारी संख्या में समर्थकों की भीड़ उमड़ी रही। जनाजे की नमाज के दौरान लोग कब्रिस्तान के भीतर जाने के लिए होड़ मचाते दिखे। बेटे उमर अंसारी और भाई अफजल अंसारी की मौजूदगी में पूरी प्रक्रिया की गई, लेकिन ये बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर इस वक्त मुख्तार अंसारी का परिवार मौजूद है और लगातार अपील इस बात की जा रही है कि आप धैर्य बनाए रखें, सबको एक एक करके मिट्टी डालने का मौका मिलेगा, 10-10 करके कब्रिस्तान में लोगों को जाने दिया जाएगा। लेकिन
पुलिस प्रशासन के सामने ये चुनौती बहुत बड़ी है, और वो इसलिए है क्योंकि लगातार वहां पर जो भीड़ है वो बढ़ती चली जा रही है, और ऐसे में कब्रिस्तान के बाहर मौजूद भीड़ को संभालना एक बड़ी चुनौती तमाम पुलिस प्रशासन के लिए, और इसीलिए बार बार अनाउंसमेंट भी की जा रही है कि एक तरफ मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो, और ऐसे में किसी भी तरीके से भड़काऊ नारेबाजी अगर की गई, किसी भी तरीके से माहौल खराब करने की कोशिश की गई, तो सीधा जेल का रास्ता दिखाया जाएगा। लेकिन इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि मिट्टी में मिल गया मुख्तार अंसारी, सुपुर्द खाक कर दिया गया सुरक्षा के बीच।